I will continue with the same chapter, federalism. Till now I have covered meaning of federalism. ठीक है, page number 14, then page number 15. इसमें हमने किया था features, then coming together, holding together, meaning of jurisdiction. Jurisdiction का मतलब होता है area, जिस area की legal authority government के पास होती है. Jurisdiction का मतलब होता है area. स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन क्या है? स्टेट. डिस्ट्रिक्ट की क्या है? डिस्ट्रिक्ट. कंट्री की क्या है? कंट्री. पंजाब की जुरिस्डिक्शन क्या है? पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. इसमें लिस्ट सिस्टम डिस्कस किया था आपके साथ, फोर लिस्ट. इसके बाद यूटीज की स्पेशल पावर्स, दे आर नॉट इजी टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, देन रोल ऑफ जुडिशरी. आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हाउ इन इंडिया फेडरलिज्म इज एक्चुअली प्रैक्टिस. इसमें मैंने बताया था कि हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड की गई है. पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, ऐसे. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. नाउ यू हैव टू रिमेंबर टोटल हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन शेड्यूल्ड. वन इज हिंदी, 21 रीजनल लैंग्वेजेस. Yesterday I have discussed with you some of the languages. You can see the list in your book also. मैं ना one by one सभी languages को बोल रही हूँ. At least आपको पता होना चाहिए कि ये language हमारे constitution में है. It means अगर इस language से speaking कोई भी person है तो India में कोई भी exam है, कुछ भी होता है, जब all India level पे होते हैं तो they can give their exam in this language. Especially IAS officer के exam, railway के exam तो होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं. जब भी लैंग्वेज का ऑप्शन आता है ना तो यू विल बी गिवन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. इमेजिन करो सीबीएसई के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया में जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती वो किस लैंग्वेज में पेपर देंगे, है ना? अपनी लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश की अपनी होगी, तमिलनाडु की है तो वो भी सीबीएसई के अंडर है ना. ठीक है, गुजरात में जो होगा, गुजरात में दो तरह के स्कूल होंगे, गुजराती बोर्ड अलग होगा, सीबीएसई अलग होगा. तो लैंग्वेज देखो कौन कौन सी, एसमीज असम की, बांग्ला बंगाल, बोडो ये एक तरह से ट्राइबल है, ताकि ट्राइबल्स, अगर ट्राइबल्स में भी कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो. देन डोगरी, ये हिमाचली है, डोगरी लैंग्वेज क्या है? हिमाचली. गुजराती, हिंदी, हिंदी तो है ही, ठीक है. कन्नड़, कन्नड़ लैंग्वेज. कश्मीरी, अगर जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज क्या होगी? कश्मीरी लैंग्वेज. कोंकणी, कोंकण लैंग्वेज है ना. मैथिली, मलयालम, मलयालम लैंग्वेज. मणिपुरी, मणिपुर की है, ठीक है. देन मराठी, महाराष्ट्र. नेपाली भी है, ये केबीसी का क्वेश्चन आया था एक बार कि डू यू थिंक नेपाली इज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखने को कई लोग कहेंगे कि नेपाली क्यों है, वो मना करेंगे. वट यू नो मैनी पीपल फ्रॉम नेपाल दे केम इन इंडिया एज अ रिफ्यूजीज. एट दैट टाइम आफ्टर टू और थ्री ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट गेव देम प्रोटेक्शन एंड उनकी लैंग्वेज को भी हमारी इंडिया का पार्ट बनाया गया. ठीक है, उड़िया पंजाबी, पंजाबी तो हमें जानते ही. संस्कृत, संस्कृत तो हमारी मदर लैंग्वेज है. देन सेंथौली, ये भी क्या है? सेंथौल कबीले का नाम, ट्राइबल्स. ठीक है, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड मुस्लिम्स की उर्दू. तो ये जो हैं दीज आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. लेकिन अब आप कहोगे इसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इज द, इंग्लिश नेशनल भी नहीं. अब सुनो ध्यान से सुनो. ऑल इंडिया लेवल पे जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है सेंट्रल लेवल पे वो होता है इंग्लिश में, लेकिन स्टेट में क्या होगा? स्टेट की लैंग्वेज. सपोज अगर आपके पास पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल आता है तो उसमें मेन कौन सी लैंग्वेज मेंशन की होती है? इंग्लिश एज वेल एज लिटिल बिट पंजाबी. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट है, अगर तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है तो वहां पे क्या होगा? पंजाबी. लेकिन अगर वो ऑल इंडिया लेवल पे है तो किसमें होगा? हाँ, इंग्लिश. ये याद रखो. अब ये ध्यान रखो इसमें इंग्लिश नहीं है, इसका मतलब है इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश तो है ही है
इंग्लिश तो ऑल ओवर है ही है, इंग्लिश के अलावा इंग्लिश तो कंपल्सरी होती है, जब भी आपने कोई एग्जाम देना ना तो इंग्लिश इज कंपल्सरी, इवन इन 10th ऑल्सो, इन प्लस टू ऑल्सो, आगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी इंग्लिश कंपल्सरी होगी. बट अदर देन दैट जब लैंग्वेज के ऑप्शन की बात आती है तो यू हैव बीन गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस. इट इज क्लियर? ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लैंग्वेज पॉलिसी. एक और हमने अपनी जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है, सेंटर स्टेट रिलेशन. आपको पता है 1990 से पहले कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड नहीं होता था. 1990 से पहले सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी ना वही स्टेट में हो जाती थी, और अगर मैच भी नहीं करती थी ना तो कई बार उस स्टेट में क्या लगा दी जाती थी, एमरजेंसी. और एमरजेंसी लगाकर क्या होता था, नए इलेक्शंस करवाए जाते थे. और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्टी क्या होनी चाहिए, सेम. पर 1992 के बाद काफी हद तक चेंजेस आए, कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ. और आज के टाइम फ्रेम में फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ही लाइव एग्जाम्पल है, सेंटर में कौन सी पार्टी है, बीजेपी. पंजाब में कौन सी है, कांग्रेस. दिल्ली में कौन सी है, आम आदमी पार्टी. तो इसका मतलब है कि आजकल के ट्रेंड जो है सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि जो पार्टी सेंटर में है वही स्टेट में होगी. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म. किसी किसी एरिया में कोई एक पार्टी रूल करती है, पूरी कंट्री में कोई एक पार्टी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई और पार्टी हो सकती है. जब इतने लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज. क्लियर? ऐसी गवर्नमेंट जहां पे अलग अलग पार्टीज होती हैं वहां पे कई बार उस स्टेट को सफर भी करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे इंडिया में बीजेपी, सपोज पंजाब में क्या है, कांग्रेस. तो कई बार क्या होता है, पंजाब के लोगों को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे से जस्टिस नहीं कर, तो ये भी कई बार फर्क पड़ जाता है. लेकिन अल्टीमेटली पंजाब जो गवर्नमेंट है वो किसको फॉलो करेगी, सेंटर गवर्नमेंट. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आगे हम लास्ट पार्ट इसका करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म में क्या फर्क होता है, नंबर का फर्क रखो. फेडरलिज्म 2, डिसेंट्रलाइजेशन 3. फेडरलिज्म मींस सेंटर प्लस स्टेट, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए सेंटर प्लस स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट. ऐसे याद रखो, फेडरलिज्म में पावर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइज का मतलब सेंटर को डिसेंट्रलाइज करना इनटू 3 पार्ट्स, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. लेकिन इसमें सेंटर गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम, और लोकल गवर्नमेंट सबसे लेस पावर. एल मीन्स लोकल गवर्नमेंट, एल मीन्स लेस पावर्स. ऐसे याद है. फिर से, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फेडरलिज्म जो है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सेंटर एंड स्टेट. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल. दिस लेवल इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. हमने बताना है इन इंडिया देयर इज अ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होल कंट्री, दैट इज मोर पावरफुल. स्टेट गवर्नमेंट जो है दैट कंट्रोल ओनली स्टेट, एंड लोकल गवर्नमेंट इज गिवन गाइडलाइंस फ्रॉम बोथ सेंटर एंड स्टेट. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. फिर हमने बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन में मेजर स्टेप्स लिए गए 1992. कौन से ईयर में, 1992. बच्चे 1992 में क्या हुआ, एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी. इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, कि सजेशंस दिए कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या बनाया जाए, मोर पावरफुल. हाउ,
अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम करते 5 मार्क्स. विच वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 टू मेक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल. ठीक है, यस. इवन आपके बैक के साइज में हमने क्वेश्चन भी किया था, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर 1992. कि 1992 से पहले क्या था और 1992 के बाद क्या हुआ चेंजेस. तो अब हमने वन बाय वन चेंजेस पढ़ने. नंबर वन, 1992 में इस कमेटी ने जो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने को बोला वो किए गए. कौन कौन से चेंजेस किए गए? नंबर वन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ पंचायत या लोकल बॉडीज. अच्छा, जब भी मैं बात करती हूँ ना लोकल बॉडीज में क्या आता है? पंचायत एंड कॉरपोरेशन. पंचायत एंड कॉरपोरेशन. इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज. अब लोकल बॉडीज का मैंने आपको पूरा टेबल करवाया था, फिर से देखो. ऊपर मैंने लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, ये लोकल जो है ना वो दो तरह की होती है, रूरल अर्बन. अर्बन में तो दो ही है, म्यूनिसिपल कमेटी. ये कहां पे होती है? स्मॉल सिटीज. सेकंड इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ये कहां पे होती है? बिग सिटीज लाइक जलंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना. ये कहां, इनमें क्या है? कॉरपोरेशन. ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं. चाहे कमेटी है चाहे कॉरपोरेशन, हम सिटीज की बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में क्या होता है? इन एरियाज में पूरी सिटी को अलग अलग किसमें डिवाइड करते हैं? वार्ड्स, WARDS. सेम कॉरपोरेशन के लिए भी, बच्चे कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए भी पूरी जलंधर को सपोज कितने पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? वार्ड्स. हर बच्चे को अपना वार्ड नंबर पता होना चाहिए. आपका वार्ड नंबर क्या है? हाँ, 13. ओके, आपका ये बच्चे, ये तो लोकल लेवल है, आपको अपनी सिटी का नाम पता है, लेकिन आपकी सिटी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वार्ड. ये तब आपको पता लगता है जब काउंसलर के इलेक्शन होते हैं. अच्छा, अब हर बच्चे को अपने काउंसलर का पता होना चाहिए. आपके एरिया के काउंसलर कौन है? क्योंकि तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी काम करवाना है तो आप किसके पास जाओगे? किनके पास जाओगे? काउंसलर. कौन है? रवि महेंद्रू और ओके. ठीक है, आप अच्छा ये बेटा, ये तो सबसे रिक्वायर्ड है. आपके एरिया में कोई भी, लिसन, आपके एरिया में कोई भी आपने लोकल काम करवाना ना, सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? काउंसलर के पास. आपके घर में पानी प्योर नहीं आ रहा, कंप्लेंट कहाँ करोगे? काउंसलर. ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है. ठीक है, तो ये कंप्लेंट जो है वो किनको की जाती है? काउंसलर. काउंसलर फिर आगे जाकर आपकी कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो स्टेप्स लिए जाते हैं. सपोज आपकी आपकी कॉलोनी में पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी कॉलोनी के जो काउंसलर हैं उनको बोलोगे तो वो कॉलोनी में क्या लगवाएंगे? वाटर फिल्टर. और फिल्टर से क्या होगा? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा. करेंगे ओके, नहीं करते तो दैट इज योर ड्यूटी टू गो अगेन एंड अगेन टू गेट योर वर्क डन. ओके ठीक है, अगर नहीं होता तो आप न्यूज़पेपर में कंप्लेंट कर सकते हो. आप कई बार आता ना न्यूज़पेपर में, यस, न्यूज़पेपर में कई बार दिखाते हैं कि जो लोकल एरियाज के लोगों ने क्या किया, पानी दिखाते हैं कि हमारे एरिया में पानी साफ नहीं आ रहा, और वो न्यूज इमिडिएटली एक्शन होगा. जब न्यूज़पेपर में आती है ना कोई भी रिपोर्ट, उस पर इमिडिएटली एक्शन होता है. आप करंट काउंसलर, आप हर एरिया का अलग अलग होता है, सभी काउंसलर आपस में एक मेयर इलेक्ट करते हैं. मेयर पता होना चाहिए, मिस्टर जगदीश राजा. मिस्टर जगदीश राजा वो आपके
आपके मेयर हैं, लिसन, आप सबके एरिया का वार्ड अलग है, वार्ड नंबर वन, वार्ड नंबर टू, वार्ड नंबर थ्री, अप्रोक्सीमेटली फोर, सिमरप्रीत बस, अप्रोक्सीमेटली 40 अगर वार्ड है, तो जब इलेक्शंस होते हैं ना, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, सभी वार्ड काउंसलर मिलकर अपने कौन बना चुनते हैं, मेयर। लास्ट टाइम कौन थे इनसे पहले, उससे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, सुनील ज्योति, सुना नाम, ओके। अच्छा डीसी कौन है हमारी सिटी, जलंधर के डीसी कौन है, चेंज हुए हैं ना, पहले वरिंदर शर्मा थे, अभी कौन है, मिस्टर घनश्याम थोरी। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा, ये हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस लिसन नाउ, म्युनिसिपल कमेटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वार्ड काउंसलर अपने में से मेयर, यानी कि अपने में से अगर 40 वार्ड काउंसलर हैं तो वो मेयर इलेक्ट करते हैं। नाउ विच आर द फंक्शंस ऑफ कमेटीज एंड कॉर्पोरेशन, क्या करेंगे वो, सिटी जलंधर के मेयर जो जलंधर की सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एंड जो भी सिटी में प्रॉब्लम है, पब्लिक पार्क्स बनवाना, रोड्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रेनेज, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसलर्स एंड मेयर। ये तो होगी सिटी की बात, लेकिन सिटी के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जलंधर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो किन के अंडर है, अब हम वो पढ़ते हैं। रूरल एरियाज की बात करें, ऑल द विलेजेस, दीज आर ग्रुप टूगेदर एज डिस्ट्रिक्ट। सपोज जलंधर डिस्ट्रिक्ट, मैं यहां पे ले रही हूं जलंधर डिस्ट्रिक्ट, पूरे जलंधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीसी। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कह सकते हो, डेप्टी कमिश्नर भी कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हो। कलेक्टर क्यों, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीसी इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज टैक्सेस, रेवेन्यू, क्लियर। डीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यस। ऑल डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट के आगे ब्लॉक है, ब्लॉक उस लेवल पे क्या कहते हैं, ब्लॉक समिति, और हर ब्लॉक के अंडर क्या है, विलेज, उसको क्या बोलते हैं, विलेज पंचायत। पंचायत में कौन होते हैं, पंच और सरपंच। अब लोएस्ट लेवल से शुरू करो, सपोज बच्चे एक विलेज है, उस विलेज में जितने भी लोग जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, उसको कहते हैं ग्राम सभा। ये आपने सिक्स में किया था, ग्राम सभा, ठीक है। ये ग्राम सभा जो है अपने में से क्या इलेक्ट करती है, पंच एंड सरपंच। हर विलेज का पंच और सरपंच होता है, अप्रोक्सीमेटली, सिमरप्रीत तो उधर उड़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली हर विलेज में जो पंच और सरपंच होते हैं वो अपने विलेज का काम करते हैं। कई बार क्या करते हैं, 10 और 15 विलेजेस को मिलाकर एक क्या बना दिया जाता है, ब्लॉक। उस ब्लॉक को कौन गाइड करता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, बीडीओ। बीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यस, मेंटेनिंग हिज ब्लॉक, क्योंकि इस ब्लॉक में क्या आएगा, विलेज। देन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, these will be controlled by their separate DC. At present, Punjab mein 22 district hain. Ek aur naya district bana hai, Malerkotla. Total kitne ho gaye? 23. To total kiski? Block Development Officer. ठीक है, अब ये सारा जो है, that is local government. Elections होते हैं, अच्छा इनकी term कितनी है सबकी, 5 years, ठीक है। लेकिन इसमें डीसी की टर्म 5 years नहीं, डीसी तो जो है वो आईएएस ऑफिसर पीसीएस एग्जाम क्लियर करके आए हैं। डीसी की जो टर्म है, दैट इज नॉट 5 years, टर्म हमेशा उनकी होती है जो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड का मतलब पंच और सरपंच, पंच एंड सरपंच 5 साल के बाद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। काउंसलर 5 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, मेयर जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। डीसी रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट ईयर जो होता है, रिटायरमेंट एज, इनकी एज की रिटायरमेंट होती है 58 इयर्स।
उनको अगर चेंज कर सकते हैं तो उनके अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट चले, कोर्ट केस, अगर वो डीसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, ये ठीक है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम चेंजेस, कि अब चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए गए. बच्चे लिसन, ये सारा जो स्ट्रक्चर था थ्री टायर स्ट्रक्चर, ये 1992 के बाद इसको ऑब्लिगेटरी कर दी. आगे क्या होता था, कई स्टेट इलेक्शंस करवाती थी पंचायत, कई नहीं करवाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1992 के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ कमेटी, कॉरपोरेशन एंड पंचायत. कई बार आप जाते हो ना जलंधर से बाहर जाते हो, तो आप देखते हो कि वहां पे पंचायत के इलेक्शंस हो रहे हैं, या कई बार हमारी सिटी में कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं. तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस. अच्छा, एक और चीज याद करो, सीट शुड बी रिजर्व फॉर विमेन. कितनी, 1/3, राइट डाउन. इट इज कंपल्सरी टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर विमेन. 1/3 हो गया 33%. इसका मतलब है विमेन भी काउंसलर बन सकती हैं, विमेन भी मेयर बन सकती हैं, विमेन भी पंच बन सकती हैं, वो भी सरपंच बन सकती हैं. नेक्स्ट इज सम सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस. सम सीट्स विल बी रिजर्व फॉर ओबीसी. ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यू साइड बाय साइड फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, इट इज द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज इन द रूरल एरियाज. अभी मैंने बताया, इट इज द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज इन द रूरल एरियाज. भावना, कीप योर माइक ऑन. इट इज द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज इन रूरल एरियाज. ठीक है, जिला परिषद. ऑप्शन थे ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा एंड स्टेट. राइट आंसर इज जिला परिषद. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनो बच्चे, हाँ जी, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन ऑप्शंस, यूनियन, कंकरेंट, स्टेट और नन. यूनियन लिस्ट, हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कंप्राइजेस दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज. दीज सब्जेक्ट्स इंक्लूड पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट एंड एग्रीकल्चर. ऑप्शन आर यूनियन, कंकरेंट, स्टेट और नन. स्टेट, ठीक है, स्टेट. It is a decision making body for the entire village. Entire village. Listen, पहले सुनो. Block समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा और सरपंच. ग्राम सभा, अब आपको पता है ग्राम सभा क्या होती है? क्या होती है ग्राम सभा? मैंने अभी बताया ग्राम सभा क्या होती है. ग्राम सभा consists all the adults. Adults means men and women above the age of 18. आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए कोई इलेक्शन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली विलेज में जिसकी एज 18 हो जाएगी, चाहे वो मैन है वुमेन, वो अपने आप क्या बन जाएंगे, ग्राम सभा के मेंबर. ठीक है, हाँ, वो सारे मेंबर. बच्चे एक विलेज में ना जिनकी एज 18 से ज्यादा है, ऑटोमेटिकली दे आर द ग्राम सभा. ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, पूरा विलेज. अब एक विलेज में कितने लोग होते हैं अप्रोक्सीमेटली, उनके जो एक्सपीरियंस मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड कर, कोई भी जा सकता है ग्राम सभा की मीटिंग. इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव एक्सेस टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ ग्राम
सभा मेंबर तो कम ही होते, किसी ना किसी विलेज में थोड़े सा तो ग्रुप होता है विलेज एरियाज का, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द डैश गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ऑप्शंस आर यूनियन, स्टेट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। हाँ वेरी गुड, रेजिड्यूरी में सिर्फ कौन होगा? यूनियन। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट। थर्ड इज कंकरंट, कंकरंट में बोथ, एंड रेजिड्यूरी में सिर्फ यूनियन। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे? आईटी सेक्टर, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, सॉफ्टवेयर, साइबर लॉज, ये सारे इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हिंदी इज इंडियाज डैश लैंग्वेज, नेशनल और ऑफिशियल? ऑफिशियल, ऑफिशियल आए। कॉन्स्टिट्यूशन, लिसन, कॉन्स्टिट्यूशन में हम वैसे कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको लिस्ट बताई है, हिंदी इज वन ऑफ द 22, यानी कि हिंदी जो है दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, नेशनल कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री में लैंग्वेज से रिलेटेड इशू ना हो, क्योंकि आधा साउथ इंडिया ऐसा है जिनको हिंदी आती नहीं है, उनके इंग्लिश आती है, दे आर वेरी, यू कैन से वेरी मच एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश एज, और उनकी इंग्लिश भी आप सुनोगे ना तो उसमें साउथ इंडियन टच होता है। Yes, listen. This kind of question you have to practice. Like, four statements will be given. Number one, Hindi was identified as the official language. अपने mind में लिखते जाओ कि ये correct है कि नहीं. Hindi was identified as official language. Second is, beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages. Third is, English can be used along with Hindi for official purpose. Choose the right option of the following. A option hai first and three, B option hai first and second, C option hai only one, D option hai all are true. Yes, all are true. इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस, थर्ड इज इंग्लिश कैन बी यूज अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, कि इंग्लिश को भी साथ में ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बच्चे, हमारे इंडिया में जितना भी नेशनल लेवल जो है, सेंट्रल लेवल का काम होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट में बच्चों को मदर टंग तो आनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश भी आनी, रीजन ये है इसीलिए। हाँ ये तो है, इंग्लिश बोलनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1/3 सीट्स आर गिवन फॉर दीज मेन, चिल्ड्रन, विमेन और एससी एसटी ओबीसी, विमेन, ठीक है। ओके, विच ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट? फॉरेन अफेयर, करेंसी, बैंकिंग और पुलिस। पुलिस किस में आता है? स्टेट में, स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। ओके, अभी करवाया ये मैंने आपको। When powers are taken from center and state and given to local, that is called distribution, centralization, reorganization or decentralization. Right answer is decentralization. Time is over. I'm going to end.